पुण्यात्मा ये बातें कैन सौंद की नहीं, ये कृपाटन की हैं, इनके ऊपर गहनता से चिंतन करना पड़ेगा और आपने फूंक फूंक के कदम रखना पड़ेगा ये भक्ति मार्ग में। और बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, मर्यादा में रहना पड़ेगा। जैसे बच्चा खेलते समय फाउल होने का बहुत ध्यान रखता है और वही सफल होते हैं, और खड़ा होते ही फाउल हो जाए वो कहेगा प्लेयर है फिर, वो तो मूर्ख आदमी है। तो पुण्यात्मा आपने इस परमात्मा के खेल में प्रवेश पाया है, अब सफल होके दिखाओ, शाबाशी मिले भगवान के दरबार में। ये छोटी छोटी लालच लोभ में हम अपना जीवन बर्बाद कर जाते हैं, किसी से तम्बाकू नहीं छूटता, किसी के शराब की बीमारी ला दी, कोई कुछ और खाता है, कोई कुछ और बकवादे करता है, तो इन पर विजय पाना है, इनको हमने पराजित करना है मालिक की आड़ लेके। वैसे नहीं हो सकता, परमात्मा की शरण में रह करके हम इन पर विजय पा सकते हैं, जीव के बस का नहीं है इनके ऊपर विजय पालन। आज हमें मनुष्य जीवन प्राप्त है, इसमें आप सुख भी महसूस कर रहे हो, और परमात्मा कहते हैं कल मृत्यु हो जाती है एक सेकंड में। अब परसों बता रहे थे यहीं पर एक पूरा परिवार गाड़ी में आ रहा था, अपनी कार गाड़ी में, और कोई तूड़े का भरा हुआ ट्रैक्टर जा रहा था या ट्रक था, उसके साथ दुर्घटना होगी, बराबर से उस गाड़ी की छत भी पाड़ लेगी उसकी, ट्रक की कोई बाहर निकली हुई थी एंगल से, और पांच छह बच्चों के उनके माता पिता की गर्दन काट के अलग डाल गया एक सेकंड के अंदर। बताओ उनकी क्या क्या आशाएं थी, क्या क्या उन्होंने सोच रखा था, वहां से करेंगे ये करेंगे, और उसमें भी पता नहीं क्या बतला रहे होंगे एक सेकंड में। और यहाँ हम आंख मीच कर बैठे गोगू बनकर, और यही कोठी बंगले बनाने में अपना जीवन व्यर्थ करने लग रहे हैं, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था। सबसे बड़ा हानि हमारे को हो रहा था कि हमें ज्ञान नहीं था, और ये ज्ञान भगवान दे दिया, और फिर भी हम इस पर जो ना नहीं सफल होंगे तो हमारे जैसा नालायक नहीं इस पृथ्वी में।